आपको बता दें, ये मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां कोरोना वायरस के प्रकोप ने समाज के सारे नियम व कार्यशैली को ही बदल कर रख दिया। बिना बारात व तामझाम शो के बिना शादियां हुई शुरू। लोग जहां महीने पहले कार्ड रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर देते थे, वही जनपद के खपटीहा कला में ताला बंद मंदिर के बाहर ही दूल्हा दुल्हन की रचाली शादी, और दूल्हे ने अपनों से कहा कि मेरी शादी में बिल्कुल ना आना। बस अपने एक दो लोगों की उपस्थिति में उसने दुल्हन की मांग भर कर शादी की रस्म को पूरा किया। जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के ग्राम कैडी पतौरा निवासी युवक लक्ष्मी पुत्र विजय की शादी गांव खपटीहा कलाम निवासी राम सजीवन की पुत्री सीलू से 25 अप्रैल को होनी थी। लॉकडाउन के चलते तय समय में वैश्विक महामारी को देखते हुए आज 21 अप्रैल को ही लड़का अपने पिता व मामा रमेश के साथ लड़की के घर खपटीहा कलाम पहुँच गया। वहाँ गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर ताला बंद काली मंदिर के बाहर उसने प्रधान पति की मौजूदगी में दुल्हन की मांग भरकर शादी की रस्म पूरी की। इस मौके पर दुल्हन की ओर से उसकी मां कलावती व दादा श्रीपाल ही शादी में शामिल हो सके। प्रधान पति जाहर सिंह ने अपनी मौजूदगी में शादी संपन्न कराई। वर पक्ष और वधु पक्ष को दिया आशीर्वाद। उन्होंने बताया कि शादी के बाद वह खुद वर वधु को दूल्हे के गाँव गैडी पतौरा छोड़कर आई है। जो आज शादी हुई है तो इस विषय में क्या कहना है? मेरा नाम जहर सिंह है, मैं खपटीहा कला गांव का निवासी हूँ। ये इनकी शादी 25 अप्रैल को तय थी। लड़की के पिता ने जो है बताया कि लॉकडाउन के चलते शादी नहीं हो पाएगी, तो हमने सुझाव दिया कि लड़के पक्ष को बुला लेते हैं, इसके बाद जो है दोनों पक्ष राजी होकर के मंदिर से शादी करवा देते हैं। ये लोग आए, हमको सूचना दिया और रीत रिवाज के हिसाब से पहले हम नल में इनके हाथ धुलाए सैनिटाइजर के, उससे मास्क दिया इनको, और शासन की जो मंशा के अनुकूल जो है इनको दूरी बना करके, लगभग 1.5 मीटर की दूरी बना करके इनकी शादी का कार्यक्रम संपन्न कराया। वहाँ से आकर के इन्होंने और पैदल आकर के साइकिल से आकर के इतनी बड़ी शादी की रस्म में जोशो खरोश है, इस विषय में और क्या कहना है? भाई ये लोग तो बाइक से आए थे, लड़का, लड़के का मामा, लड़के के पिताजी। अब यहाँ से मैं इनको गाड़ी उपलब्ध करा करके इनके गांव भिजवा दूंगा।